नमस्कार, बहुत स्वागत है। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हटके, मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज बहुत विशेष जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष मुखातिब हूं मैं, उपस्थित हूं मैं। सबसे पहले तो हमारे इस ठेठ देसी अंदाज को आप लोग देखिएगा, ये हमारे अवध क्षेत्र का विशेष तरह से एक तरह पहनावा ही कह सकते हैं कि वहाँ पर हमारे हम लोग ऐसे ही भैया लोगों को, ताऊ जी लोगों को, जिसको जिनको हम लोग दादा बोलते हैं, मतलब पिता के बड़े भाई, और सबको ऐसे ही देखते आए हैं कि बिल्कुल अंगोछा ऐसे लेकर के कंधे पे और कुर्ता। हम भी जाते हैं तो ऐसे ही रहते हैं, नीचे चाहे तो तहमत, जैसे लुंगी कहते हैं लुंगी पहनते हैं, या जो ओल्ड एज के हैं वो धोती पहनते हैं। ये हम लोग के यहाँ का पहनावा है। सोच रहे जल्दी ही कुछ इसी तरह के गेटअप में का कार्यक्रम लेकर के आए अपने उसी अवध क्षेत्र की बोली में, जैसे काय भैया का करत रहा, अब अवधियम बती आई जाई का, ये हमारे यहाँ की भाषा है। खैर, आज जो विषय है, जानकारी है कि दिवाली दिनांक 28 तारीख अमावस्या सोमवार, कार्तिक अमावस्या, तुला का चंद्रमा, प्रीति योग, तो ये सारी चीजें लेकर के आया। खरीदारी के लिए जो समय चल रहा है अभी भी, आज से क्या दो तीन दिन पहले से, नवरात्र से ही, जब नवरात्र आरंभ होता है, कुछ लोगों ने कुछ चीजें बहुत सारी खरीदी होंगी, वाहन आदि लिए होंगे मुहूर्त वहूर्त निकाल करके। दिवाली तक के बीच में आप लोग कुछ भी जो प्लान किए हैं खरीदने के लिए, कार्यक्रम देखने से पहले जो ले लिया भूल जाइए, उसे पछताइएगा मत, दिमाग में आ जा रहे हमने तो ले लिया, नहीं कोई बात नहीं। अगर नहीं लिए हैं तो एक ऐसी चीज आज मैं खरीदवाऊंगा जो अनमोल होगा। जिसकी आपने कल्पना ही नहीं किया होगा कि उसके आने से क्या होगा। आपने कल्पना नहीं किया होगा उसके आने से क्या होगा। पौराणिक महत्व है, जीवंत स्वरूप है, सकारात्मक ऊर्जा का पुंज है, भंडार है, नकारात्मक शक्तियों का बहिष्कार है। सबसे पहले वो घर में आए इस बार, पहले से वो घर में हो तो भी कोई बात नहीं, ले आइएगा। इसे दान भी किया जा सकता है। क्या है वो वस्तु जिसकी मैं इतनी तारीफें कर रहा हूं? वो है, खरीदना बेहद अनिवार्य है, उसके बाद कुछ बड़ा खरीदने के लिए प्रयास करिएगा। उसमें किराने की दुकान की खिर्ची मिर्ची वाली चीज़ों को मत जोड़िएगा। जैसे कोई आप 5-7 हज़ार की कोई चीज़ आपने प्लान किया हो, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से आपने कुछ बड़ा प्लान किया हो, फ्रिज ले आएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मकान खरीदेंगे, कुछ भी ऐसे बड़ा, कोई गोल्ड में निवेश करेगा, कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ करने के लिए जो सोचा हो आपने, उसे करने से पहले एक विशेष सामग्री मैं आपके घर में मंगवाना चाहता हूं। इस विषय के गहराई को समझ करके आप विचार करिएगा, सात्विक रहिएगा, सकारात्मक रहिएगा, शुभ सोचिएगा। शुभ सोचिएगा। और यही आपके लिए बेहद सकारात्मक रहेगा। हर लिहाज से, हर प्रकार से
तो वो वस्तु है, भगवान श्रीहरि विष्णु को अति प्रिय लक्ष्मी स्वरूपा शंख ले आइए, छोटा बड़ा कैसा भी, बजने वाला हो सोने पर सुहागा, लेकिन शंख बजाना भी एक कला है और साधना है। आपके यहां स्थाई लक्ष्मी का वास होगा, स्थाई, बिल्कुल चिर स्थाई, सकारात्मक, महाशुभ। तत्क्षण इसके लिए विचार करिए, ले आए, कहीं चक्कर में ना पड़िए, बस बजा लीजिएगा। ये कोई प्रोपोगंडा टाइप का नहीं है कि वो कौन दक्षिणावर्ती होती, वो मतलब नहीं, शंख बस शंख है, ताम झाम नहीं भैया, एकदम सामान्य रूप से बजने वाला हो बस, बात खत्म। चाहे 100 रुपया मिले, चाहे 500 मिले, देख लो आप अपने हिसाब से, ठीक है। महासात्विक होने का पहले प्रण कर लीजिएगा कि घर में अंडा उंडा एकदम नहीं, बाल बच्चा से एकदम मिनहा कर दो भैया ना, नहीं अंडा उंडा एकदम नहीं। शंख लाइए अपने घर में, किसी भी ईशान कोण में या किसी भी ऊंचे स्थान पर, लाल कपड़ा बिछाकर, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी में रंगे हुए खड़े साबुत चावल जिसे अक्षत कहते हैं, छिड़क कर कुछ फूल फैला दीजिए वहाँ पर, एक ठो दिया रख दीजिए, वही शंख रख दीजिए तेरे की ऐसी, और रोज सुबह नहा करके प्रणाम करिए और ले करके हाथ में बजाइए। मैं लाना भूल गया, वैसे प्लान किया था कि मैं लाता, मेरे पास 2-3 पड़े हैं, और बजाइए 3-4 बार सुबह और रात्रि दिया जला के। सुबह जब दिया जले घर में, ज्योत जले, और रात्रि में जब संध्या आपके घर में दीपक जले, भगवान कसम आप करके देखिए, अरे मामूली बात थोड़ी ना। तो भैया इस अवधांचल के बाबा जी को अनुमति दीजिएगा, आप लोग खूब प्रसन्न रहें, ये फेस्टिव सीजन आप लोगों के लिए बहुत ऐतिहासिक हो, शुभतादायक हो, हर तरह से लाभदायक हो, ऐसे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। फिलहाल के लिए आज बस इतना ही, दिनांक 10-11 को आप हमसे मिल सकते हैं पुणे में, 12-13-14 3 दिन मुंबई में, डेट्स सामने हैं, तब तक आप हमसे मिल सकते हैं गाज़ियाबाद में। अपॉइंटमेंट के लिए आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, श्री राधे।